आज के वीडियो में हम एक्सपीरियंस करेंगे कुछ बेहतरीन साइफाई एडवेंचर मूवीज, जिसमें से कुछ की कॉन्सेप्ट आपके दिमाग घुमा कर रख देगी, हमारी फ्यूचर की दुनिया से रूबरू कराएगी। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 जबरदस्त माइंड ब्लोइंग साइफाई एडवेंचर मूवीज लाए हैं, जिसमें टॉप 3 बोनस मूवीज भी होंगी जो हमेशा की तरह सिर्फ टॉप क्लास की होंगी, तो एक भी मिस ना करिएगा। ऐसे ही और भी एडवांस और फ्यूचरिस्टिक दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। नंबर 7 की मूवी एक ऐसा एलियन आपके दिमाग में घुसकर आपको कंट्रोल करे, इंसान कौन एलियन कौन आपको ही पता ना चले। कॉन्सेप्ट भाई काफी इंटरेस्टिंग है। 2016 की साइफाई एक्शन के साथ द फिफ्थ वेव। एक अनजान सी दिखने वाली बड़ी सी स्पेसशिप से आया एक ऐसा एलियन जो सीधा आपके दिमाग में घुसकर आपको कंट्रोल करता है। एलियन अटैक की आखिरी और फिफ्थ वेव आने वाली है, जिसमें पूरे मानव जाति खत्म हो जाएंगे। आखिर ये फिफ्थ वेव है क्या और कैसे इस दुनिया को बचाया जा सकता है? आप मूवी में देखो भाई, इसके कॉन्सेप्ट काफी कमाल की थी, पर उस लेवल की इम्प्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिलती। सस्पेंस तो क्रिएट करते हैं, पर एंड में वही टिपिकल सा। लीड एक्ट्रेस के लिए भाई इस मूवी को जरूर देखिए। एक खास बात बताऊं भाई, इस फीमेल लीड एक्ट्रेस की वो हिंदी डबिंग भाई काफी सीडक्टिव है। मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जरूर देखिए। नंबर 6 की मूवी आपने कभी सोचा हमारी ग्रह से दूर कोई और प्लैनेट से हमारी पृथ्वी पर नजर रखा जा रहा है? क्या हो जब हमारी पृथ्वी पर एलियन अटैक कर दे, आप कैसे सर्वाइव करिएगा? ये मूवी आपको दिखलाएगी। हम बात करें 2005 की साइफाई एक्शन के साथ टॉम क्रूज की वॉर ऑफ द वर्ल्ड। भाई हमारी धरती फटकर अंदर से एलियन निकल रहे हैं और लोगों को बिजली के झटके देकर मार रहे हैं, चारों तरफ अफरा तफरी मची है। ऐसी सिचुएशन में अपने फैमिली के साथ खुद को भी सरवाइव करना है। मूवी की सबसे खास बात लगी भाई इसके तबाही वाले वो एक्शन सीन। मूवी थोड़ी पुरानी जरूर है, इसके एक्शन सीन के साथ इसके सिनेमेटोग्राफी वो तबाही वाली दुनिया आपको हिलने ना देगी। बस भाई इसके नेगेटिव पॉइंट, वो एलियन हमारे धरती के नीचे कहां से आए वो सही से क्लियर नहीं होता। बाकी अब टॉम क्रूज के लिए मूवी सीधा देख डालो, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की मूवी यार, एक AI रोबोट जब अपने आप पे आ जाए ना तो भाई कितनी तबाही मचा सकती है। ये मूवी आपको दिखलाएगी 2022 की हॉरर साइफाई थ्रिलर के साथ मेगन। भाई एक क्यूट सी दिखने वाली डॉल भी इतनी तबाही मचा सकती है, आपने सोचा ना होगा, एकदम खतरनाक टाइप। भाई जरूर देखिए, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 की मूवी 2007 में वो गाड़ी से रोबोट बनने की कॉन्सेप्ट काफी यूनिक था। भले इसके जैसे जैसे पार्ट आते गए मूवी थोड़ी डाउनग्रेड होती गई, लेकिन फिर भी भाई आज भी इसके एक्शन सीन हमें वो एज ऑफ सीट वाली एक्सपीरियंस कराती है। हम बात कर रहे हाल ही में इसके 7 पार्ट रिलीज किया गया 2007 से, अब तक टोटल 7 मूवी का कलेक्शन साइफाई एक्शन एडवेंचर के साथ ट्रांसफॉर्मर फिल्म सीरीज। दूसरे ग्रह से आए कुछ एडवांस रोबोट जो हमारे धरती पे आ गिरते हैं एक ऐसी चीज के लिए जिसमें अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भरी है। कुछ भी कहो यार, ये दो बड़े बड़े रोबोट के बीच की वो फाइट सीन देखने में मजा बहुत आता है। इसमें कोई शक नहीं भाई, माइकल बे ने पूरी फोकस इसके एक्शन सीन में डाल रखी है, जिसकी वजह से भाई मूवी की स्टोरी थोड़ी फीकी पड़ जाती है। शायद इसीलिए हम ऑडियंस के बीच मूवी की पब्लिसिटी कम होती गई, लेकिन फिर भी भाई इनकी रोबोट्स आज भी कमाल की हैं। इसके एक्शन सीन आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेंगे, जरूर देखिए, इसके सारे पार्ट हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल। नंबर 4 की मूवी भाई, जब हॉलीवुड में क्वालिटी के नाम पर एक ही जैसा घिसा पीटा कॉन्सेप्ट दिखा रहे थे, तब भाई इस मूवी के फ्रेश और खतरनाक कॉन्सेप्ट ने हमारी दिमाग घुमा कर रख दिया। ऐसे ही कुछ खतरनाक कॉन्सेप्ट चाहिए अब हमें। हम बात करें नेटफ्लिक्स की तरफ से जिसके सेकेंड पार्ट हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया, साइफाई मिस्ट्री ड्रामा के साथ बर्ड बॉक्स और बर्ड बॉक्स बार्सिलोना। भाई एक ऐसी अदृश्य चीज जिसे देखते ही आप अपने आप को बेरहमी तरीके से मार डालते हो, जिसके वजह से पूरे शहर खौफ में है, चारों तरफ अफरा तफरी मची है, लोग आंखों में पट्टी बांधकर घर से बाहर निकल रहे हैं। बिना देखे भाई इस दुनिया में आप कैसे सरवाइव करिएगा? आपको ये मूवी एक्सपीरियंस कराएगी। फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ ऐसी एपोकलिप्टिक दुनिया पे बेस्ड मूवी देखने में भाई मजा बहुत आता है। बस एक बात खट की, कुछ लोगों को चुना गया है, लोगों को ट्रैप कर उस चीज के सामने लाना है, पर उन्हें कुछ नहीं होता। कैसे, इसका जवाब मूवी में नहीं मिलता, जो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है। बाकी इसके कॉन्सेप्ट के लिए आप जरूर देखिए, इसके सेकेंड पार्ट नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की मूवी वंडर ह्यूमन के बाद डीसी की डूबते हुए नैया को बचाया है तो इस कैरेक्टर ने, जिसे डीसी यूनिवर्स की तरफ से हाल ही में रिलीज किया गया साइफाई फैंटेसी एडवेंचर के साथ द फ्लैश। मूवी में भाई वही टाइम ट्रेवल वाली खिचड़ी देखने को मिलेंगी। अब डीसी भाई अपनी गलतियों से धीरे धीरे सीख रहा है,
कैरेक्टर के बीच वो इमोशन डालने की कोशिश कर रहा है। आप मूवी को देखिए, आपको पूरी तरह से इंटरटेन करेगी। हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 की मूवी फ्यूचर की दुनिया वो टेक्नोलॉजी देखना हमें काफी पसंद है। नंबर 3 की मूवी आपको एक्सपीरियंस करा सकती है जहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर ली गई है कि इंसानों की क्लोन बनाया जा सकता है। 2017 की साइफा एक्शन के साथ ब्लेड रनर 2049। स्टोरी एक ऐसे ही पुलिस ऑफिसर की है जिसे एक ऐसे ब्लेड रनर की तलाश है जो सदियों से गायब है। कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब उन्हें पता चलता है कि वो क्लोन नहीं एक इंसान है। उसके बाद की स्टोरी आप मूवी में देखो भाई, वो अपने आप को ढूंढने की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग होती है। बस भाई इसके लिए रखनी पड़ेगी आपको पूरी पेशेंस, जो इस मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है। क्या जरूरत थी करीबन 3.5 घंटे की मूवी बनाने की। हिंदी डबिंग के साथ प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। नंबर 2 की मूवी यार साइफाई पे बेस्ड हो, ऊपर से मूवी टॉम क्रूज की हो तो भाई देखने में मजा आएगा और नो डाउट भाई मूवी आपको एक्सपीरियंस कराएगी। 2013 की साइफाई एक्शन के साथ ओलिवियन। अंतरिक्ष में हुए हमले की वजह से एलियन ने हमारी चंद्रमा को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी भी तबाह हो चुकी है। लोग एक टाइटन नामक ग्रह पर रह रहे हैं जहां हमारे हीरो को आसमान में बने स्टेशन में रहकर पृथ्वी के ड्रोन को रिपेयर करना है। एक दिन एकदम से उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जिसे देखकर भाई आप पूरी तरह से शॉक हो जाते हो। वो क्या है भाई, आप मूवी में देखकर एक्सपीरियंस करो। बात करें मूवी की सबसे बेस्ट पार्ट की तो भाई इसके पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया की वो सिनेमेटोग्राफी भाई कमाल की है। ऊपर से टॉम क्रूज सर की होना भाई एक अलग ही सेटिस्फेक्शन देगी। जरूर देखिए, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की मूवी भाई इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपके दिमाग को हाईएस्ट लेवल पर ले जाकर समझना होगा, नहीं तो भाई पूरी मूवी खत्म कर लिया उसके बाद आपके अंदर सवाल रह जाएंगे कि ये क्या देख लिया मैंने, मूवी हमें दिखाना क्या चाह रहा था। क्योंकि भाई टाइम ट्रैवल जैसी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी पे बनी मूवी को समझना इतना आसान नहीं। 2014 की साइफाई एक्शन के साथ प्रीडेस्टिनेशन। टाइम ट्रैवल पे बेस्ड मूवी देखना पसंद है तो जरूर देखिए, आपका दिमाग घुमा कर रख देगी। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 1 की मूवी भाई एकदम आउट ऑफ द बॉक्स मूवी है। आज से 50 साल बाद भी इस मूवी को देखेंगे ना भाई, तब भी इस मूवी के कॉन्सेप्ट दिमाग घुमा देने वाली होगी। गजब की सोच है भाई इस मूवी के डायरेक्टर की, इनकी हर एक मूवी उठाकर देख लो, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये बंदा टाइम ट्रेवल कर कहीं फ्यूचर से तो नहीं आया। हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन की साइफाई एक्शन के साथ टेनेट। क्या बताएं भाई ऐसी मूवी की स्टोरी के बारे में, ऐसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भाई पूरी की पूरी सीरीज भी बनाई जाए तो कम पड़ जाएगी। फ्यूचर की एक ऐसी टेक्नोलॉजी अगर गलत हाथों में पड़ गई तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, जिसे हमारे इस दुनिया को एक CIA एजेंट को बचाना है। ये भाई हम सिर्फ सिंपल सी स्टोरी बता रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को भाई क्रिस्टोफर नॉलन ने डायरेक्ट किया है तो आप सोच भी नहीं सकते किस लेवल की होगी। रिवर्स एंगल को इस तरह से हमारे सामने रखा है कि आज तक आपने ऐसा एक्सपीरियंस ना किया होगा। ऐसी मूवी को आप जरूर देखिए, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। तो भाई सिर्फ ऐसी क्वालिटी के लिए आपके तरफ से एक सब्सक्राइब बनता है ना, कर दीजिए। और IAS लिस्ट की बैकग्राउंड म्यूजिक और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टॉप रिव्यू इंस्टाग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ।